नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। पृथ्वी पर अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसको जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि शव खराब ना हो। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि अंतरिक्ष में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके शव का क्या होगा? ऐसी ही एक खबर सामने आ रही है। इस सवाल में नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने बताया कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट की मौत अंतरिक्ष में हो जाती है तो उससे बुरा उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल अंतरिक्ष यान में शव को स्टोर करने की कोई सुविधा नहीं होती है। साथ ही एस्ट्रोनॉट के शव को धरती पर लाने के लिए मिशन खत्म करना भी इम्पॉसिबल। ऐसी स्थिति में शव को एयरलॉक में पैक करके स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद डेड बॉडी स्पेस में आइस मम्मी बन जाती है। ये बात उस वक्त सामने आई जब नासा के अपोलो मिशन में बने स्पेस सूट का टेस्ट किया गया, जिससे ये भी पता चला कि स्पेस के प्रेशर से डेड बॉडी में विस्फोट भी हो सकता है। अंतरिक्ष में शव अगर किसी चीज से टकरा कर नष्ट नहीं होता है तो वो अनिश्चित काल तक स्पेस में ही रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शव सैकड़ों वर्षों तक अनंत काल में ही रहेगा। एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट के शव को वापस धरती में लाने में कई महीने लग सकते हैं। इसीलिए अगर स्पेस में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसके शव को नष्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें शव को अनंत अंतरिक्ष में छोड़ देना, मंगल ग्रह पर दफन करना आदि शामिल है। हालांकि मंगल की सतह को बचाने के लिए शव को पहले जलाना होगा, लेकिन ये काम काफी जटिल है जिसके लिए रिसर्च चल रही है। कुल मिलाकर इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि शव को वापस पृथ्वी में लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा या एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक स्पेस में सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी